स्वागत है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आप लोग का फेमस यूट्यूबर, तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं नल्ले sonic.exe के बारे में। ये वही नल्ला मॉन्स्टर है जो सबको मारता है। हाँ, काश वो मेरे दुखों को भी मार पाता। आज के दिन हम लोग उसकी स्केरी हॉरर मूवी देखेंगे। हाँ, मैं डरने के लिए तैयार हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। यो दोस्तों, चलो फटाफट से ये मस्त हॉरर मूवी को एंजॉय करते हैं। हमारे सामने नल्ला टेल्स है जो कि मस्त फड़फड़ाते हुए उड़ रहा है। काश मैं भी उड़ पाता, फिर मैं दुख कष्ट पीड़ा से कहीं दूर चला जाता। कोई बात नहीं, इसे देखते हैं। यो मैन, ये रहा हमारे सामने इविल सोनिक। यो क्या होने वाला है? क्या मतलब मेरी फट गई? और एक सेकंड, अचानक से मौसम कितना बदल चुका है, सारे फूल मुरझा चुके हैं। शायद दोस्तों ये फूल ना मेरी गीगा चैट बॉडी के वजह से मुरझा गए हैं। अच्छा। आसमान लाल हो चुका है और जो नदी है वो खून से भर चुकी है। टेल्स की बेचारे की हालत खराब हो चुकी है। ओह माय गॉड, ये क्या था? ये क्या चीज थी? ये क्या सुअर है? ये तो मेरे को अपने दोस्त जैसा लग रहा है। अबे साले। ओके, टेल्स जो है सोनिक के पास जा रहा है। क्या होने वाला है? ओ कैसे वो कांप रहा है। हाँ, बेसिकली उसे ठंडी लग रही है। ओ ओ ओ सोनिक, क्या होगा? क्या ये नॉर्मल सोनिक है? अच्छा दोस्तों, ठीक है, अच्छी बात है, ये तो अपना प्यारा दुलारा नॉर्मल सोनिक है। टेल्स भी खुश हो चुका है। अरे मम्मी, ये क्या मजाक है? ये सोनिक एक इविल सोनिक में कन्वर्ट हो चुका है। इस नल्ले की ना हालत पहले ही खराब हो गई, देखते ही वो वहां से भाग गया। पर अपना इविल सोनिक भी उड़ सकता है। ओके, ये नल्ला पूंछ हिला हिला के कैसे उड़ता है? पता नहीं दोस्तों, उसकी निंजा टेक्निक है। सोनिक भी कैसे भाग रहा है दोस्तों, सही में ये वीडियो तो ऑसम है। यो दोस्तों, चलो फटाफट से देखते हैं ये टेल्स जिंदा बच पाता है। और एक सेकंड, ये अपने हाथों से ये गन्ना क्यों काट रहा है? मेरे ख्याल से दोस्तों इसको गन्ने का जूस पीना होगा। ओ माई गॉड, हमारे सामने ये रहा हड्डी। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा। ओ माई गॉड, सोनिक पीछे आ चुका है। अच्छा, टेल्स उसे हड्डी से मारेगा। नाइस, वेरी नाइस निंजा टेक्निक। क्या टेल्स बचेगा? शायद इविल सोनिक मर गया, हमने उसे हड्डी से मार दिया है। इस नल्ले पे कोई असर नहीं हुआ, इसका मतलब टेल्स की लग चुकी है लंका। हाँ, वो मरने वाला है बेसिकली। ओके, वहां जो घाव बना था वो अपने आप गायब हो गया। काश मेरे दिल में भी जो घाव है वो इतने आसानी से भर पाते। पर कोई बात नहीं, इविल सोनिक खून के आंसू रो रहा है। टेल्स की हालत खराब हो रही है। और एक सेकंड, इविल सोनिक यहाँ से गायब हो चुका है। अबे नल्ले बेरोजगार अनपढ़ आदमी, जब जो है सोनिक यहाँ से गायब हो चुका है तो तू भी फटाफट यहाँ से खिसक ले। ये नल्ला ने यहाँ से खिसक नहीं रहा है यार। जब सोनिक यहाँ से गायब हो गया है तो टेल्स तू भी चल जाना। इविल सोनिक वापस यहाँ आ गया। ओहो, ये क्या आइकॉनिक सीन है! इविल सोनिक ने टेल्स को आधा काट दिया है। मेरे तो दोस्तों रोंगटे खड़े हो गए, ये कितना दर्दनाक है, टेल्स मर गया। इतना दुख और दर्द तो उसने भी नहीं दिया था मेरे को। दोस्तों ये देखो, टेल्स का खोपड़ी से हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। यार मेरे को आज नींद नहीं आने वाली है। अब
अबे नल्ले क्या तू ऐसे हा 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 हंस रहा है, एक रैप्टा में इसे देना चाहिए, इसकी सारी जो दांत है ना वो बाहर निकल आएगी। वैसे उसका जो जीभ है वो ग्रीन है, मेरे ख्याल से दोस्तों उसे ब्रश और अच्छे से करना चाहिए। ये क्या नल्ला जंप स्केयर है? क्या मतलब, मैं डर चुका हूँ बहुत तेज दोस्तों, वो जंप स्केयर बहुत गंदा था। हमारे सामने ये रहा टेल्स का खोपड़ी जिससे हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, और एक सेकंड, ये डंडा क्यों ले रहा है? ये क्या अपने पीछे डालने वाला है? पता नहीं ये इस डंडे से क्या करेगा। अरे वहां मत डाल लेना भाई। ये इसने क्या कर दिया, ये इतना दर्दनाक है देखने में। इस नल्ले को तो मैं कूटूंगा अगर ये मुझे किसी दिन मिल गया। हमारे सामने नकल्स है, नकल्स भी जो है उड़ रहा है। हेलो नल्ले, तेरे को अगर मरना नहीं है तो फटाफट यहाँ से खिसक ले। ओके, इसके पास एक पर्ची है, माइल्स टेल्स प्रदर्श। पता नहीं इसमें इंग्लिश में क्या लिखा है, मेरे ख्याल से इसमें टेल्स मिसिंग है ऐसा कुछ लिखा है, और नकल्स शायद टेल्स को ढूंढ रहा है। नकल्स ब्रो, अच्छा ही होगा तुम यहाँ से निकल लो, क्योंकि टेल्स तो मर चुका है। इविल सोनिक डॉट ईएक्सई को अपना अगला शिकार मिल चुका है। नकल्स उठ रहा है मस्त, ये सुपरमैन जैसा क्यों उठ रहा है? ओहो, तो हमारे सामने ये कौन सी नल्ली जगह है दोस्तों? वैसे आप लोग देख रहे हो ये वाला जगह कितना खतरनाक है, चारों तरफ खूनी खून है। केमिकल प्लांट, मेरे ख्याल से ये केमिकल प्लांट फैक्ट्री है। टर्न बैक, पीछे कौन नल्ला है? नहीं दोस्तों, मैं तो आगे देख के चलता हूँ, पीछे नहीं देखता मैं। हाँ सोनिक यहाँ पे आ चुका है, नकल्स को पता चल गया। चलो नकल्स, उसकी छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो, वो स्कूल में थोड़ी पढ़ता है, उसकी छुट्टी करेंगे। क्या होगा इन दोनों में? घमासान युद्ध होगा, WWE बैटल होगा। वैसे कोई भी जीते, सबसे ताकतवर तो मैं ही रहूंगा। सोनिक, सोनिक, अच्छा उस नल्ले ने मुंह खोला है, ये क्या? ओह माय गॉड, सोनिक इशारा करके दिखा रहा है कि ये देखो मैंने टेल्स का क्या हसर किया है। नकल्स ने ये देख लिया। ओह माय गॉड, मेरे को तो बहुत तेज गूजबम्प आ रही है। हाँ पर दोस्तों मैं बहादुर इंसान हूँ, मैं एक सिग्मा हूँ, ये सब छोटी मोटी चीज थोड़ी मेरे को डराएगी। नकल्स रो रहा है बेचारा, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। नकल्स अब गुस्सा है, अब इविल सोनिक डॉट ईएक्सई की खैर नहीं। उसने क्या खून चाटा? नकल्स अब गुस्सा है और इविल सोनिक या हुया मरने वाला है। नकल्स बच्चे से हो नहीं पा रहा है। ओहो, इविल सोनिक ने सिर्फ ऐसे नाखून मारा और ये नकल्स की आंख फूट चुकी है। चलो दोस्तों, तो तुम लोग देख सकते हो सोनिक कितने स्टाइल से आ रहा है नकल्स की भी बैंड बचाने, और नकल्स वहां से भाग गया। मेरे को तो लगा था नकल्स बैंड बचाएगा, पर ये तो उल्टा हो गया, सोनिक की बैंड बचाने लगा है। ओके, हमारे सामने एक प्यारा सा पेड़ है, क्या होगा? ओहो सोनिक, ये क्या था सोनिक? ये क्या गंदा गंदा हरकत है? सोनिक ने अपने हाथों से एक पेड़ को उखाड़ दिया है। नकल्स की दोस्तों हालत खराब हो चुकी है और वो एक पेड़ के पीछे छुप चुका है, पर मेरे को लगता नहीं है नकल्स भी जिंदा बचेगा। ओके, नकल्स की हालत खराब है, क्या वो मर जाएगा? सोनिक क्या कर रहा है? अबे सोनिक, तू ना नल्ले टाइम पास बहुत करता है, जो भी करना है फटाफट से करो।
उसने कुछ ज्यादा ही फटाफट से कर दिया। उसने सारे पेड़ को एक तलवार तीर तरह, मेरा दिमाग हैंग हो गया दोस्तों। सोनिक ने पेड़ को इतने सारे तीर का रूप दे दिया है। ओ मैन, नकल्स गया काम से, नकल्स गया। क्या ये मर गया? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। इसका निशाना कितना करेक्ट है। इसका मतलब सोनिक को पता है कि नकल्स किधर है, वो सिर्फ उसके साथ मजा कर रहा है। क्या लगता है दोस्तों आपको, नकल्स जिंदा बचेगा? मेरे को तो नहीं लगता। ओके, क्या होगा? ओहो ओहो, नकल्स को कितनी गंदी मौत मिली है। उसका जो ब्रेन है वो बाहर आ चुका है। यार, नकल्स और टेल्स दोनों मर चुके हैं। और एक सेकेंड, फिर से कोई आ रहा है हमारे सामने, हमारे मोटू हाथी भाई, मेरा मतलब एगमैन आ चुका है यहाँ पे। सोनिक उसे भी परेशान करने जा रहा। सोनिक, तुम्हें ना अच्छे से हंसने नहीं आता है, ऐसे हंसा जाता है। सोनिक मस्त उड़ रहा है। मेरे ख्याल से एगमैन भी गया काम से। वैसे एगमैन मरेगा तो मेरे को खुशी होगी थोड़ी थोड़ी। ये नल्ले का मुंह देखो, कितना गंदा मुंह है। और एक सेकेंड, इसका दांत जो है सफेद नहीं है। मेरे ख्याल से दोस्तों ये सफाई से नहीं रहता है, गंदा बच्चा है। एगमैन वहां से भाग रहा है। एगमैन ने सोनिक को देख लिया। ये क्या कर रहा है? अच्छा, सोनिक कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। चलो दोस्तों, तो देखते हैं एगमैन बचता है या फिर इसका भी ऑमलेट बन जाता है। उसकी स्पेसशिप में बूस्ट का ऑप्शन है। उसने बूस्ट दबाया और वो वहां से निकल लिया। सोनिक जो है गुस्से में है, क्योंकि उसे जो है एगमैन को किसी भी तरह मारना है। ओके, ये इसने हाथ का ये भाजी पाव क्या बना दिया भाई? अच्छा खासा तो हाथ था। ये क्या बवासीर है? ओके, काफी सारे। ये क्या नूडल्स लग रहा है मेरे को तो देखने में। दोस्तों, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सोनिक एगमैन को ऐसे गुदगुदी कर रहा है। ये देखो, ये क्या चिंदी सा एनिमेशन है, मेरे को जरा भी डर नहीं लग रहा। एक सेकेंड, एगमैन गया काम से। दोस्तों, एगमैन मरने वाला है। ओ ओ ओ ओ, सोनिक मत मार एगमैन को। एक सेकेंड दोस्तों, मैंने अभी नोटिस किया, ये देखो एगमैन की नाक कितनी लंबी है। इतना लंबा नाक किसी का थोड़ी होता है। ओके, ये क्या, एगमैन के हाथ में एक रिमोट है। उसने रिमोट दबाया और स्पेस से पीछे आ चुका है। अब देखते हैं दोस्तों, एक्साइटेड हूं मैं। एगमैन वहां से भाग गया है। क्या होगा, कुछ होने वाला है। उसने फिर बटन दबाया रिमोट का और स्पेसशिप से गन बाहर निकली है। अच्छा, स्पेसशिप से लेजर निकला और उस लेजर ने इविल सोनिक को मार दिया। ओ माय गॉड, एगमैन तुम तो एकदम मेरी तरह बहुत समझदार हो। मेरे साथ रहते रहते एगमैन भी समझदार हो गया है। मेरे को इस मोटे नल्ले से जरा भी उम्मीद नहीं था कि ये इतना समझदार होगा, पर एगमैन ने बहुत समझदारी का काम किया है और फिर वह स्पेसशिप लेके निकल गया। वैसे दोस्तों, इविल सोनिक तो मर चुका है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। इविल सोनिक, बाय बाय दोस्त, तुम तो मर गए। ये क्या खतरनाक एंडिंग है, इविल सोनिक अभी भी जिंदा है। अरे मम्मी, ये क्या हो गया, इविल सोनिक तू कैसे जिंदा है यार?
चलो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको सोनिक की ये खतरनाक सी स्केरी मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। क्या मतलब तुम्हारी हालत खराब हो चुकी है दोस्तों, फटाफट से लाइक करो। हाँ, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक के वजह से ही मैं जिंदा हूँ। चलो कोई नहीं, पीस।